हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। आज मैं आपको बताऊंगा इस ड्राइंग का टेम्पलेट कैसे बेंड किया जाता है। और ये आप पार्ट टू वीडियो देख रहे हैं इस ड्राइंग का। इस ड्राइंग का बेसिक डिटेल्स और इसमें क्या क्या मटेरियल लगा हुआ है इसके बारे में मैं पार्ट वन वीडियो में बता चुका हूँ, वो आप वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसका टेम्पलेट कैसे बेंड किया जाएगा। तो जैसे आप ये देख रहे हैं इस ड्राइंग में कि ये नॉर्थ है कॉर्नर, तो अपने सामने हम नॉर्थ मानेंगे। जैसे इस ड्राइंग में आप देख रहे हैं इधर नॉर्थ दे रहा है कोने पे, लेकिन हम अपने फील्ड में सामने नॉर्थ मानेंगे। नॉर्थ और इधर हो गया बैक साइड में साउथ, और लेफ्ट साइड में वेस्ट, और राइट साइड में ईस्ट हो गया है। तो इसके हिसाब से हम बेंड करेंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ फील्ड ज्वाइंट दिया है, जो कट का निशान लगाया हुआ है ज्वाइंट पे, वहाँ तक हम पहले बेंड करेंगे इस टेम्पलेट का। तो सबसे पहले इसमें यहाँ से हम शुरू करते हैं, जहाँ पे इंड कैप लगा हुआ है, इंड कैप से हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से एक नीचे डाउन हो रहा है, यहाँ पर मान लीजिए इंड कैप लगा हुआ है और एक लाइन नीचे डाउन हो रहा है ड्रेन। तो हमने ये ड्रेन के लिए बेंड कर लिया और इसको फिर इसे हम ऊपर ले लिए। यहाँ पे इंड कैप लग गया और ये ड्रेन हो गया, और ड्रेन होने के बाद ये लाइन फिर ये जा रहा है ईस्ट में। तो हमारा राइट साइड में ईस्ट है, तो ये ईस्ट में ऐसे जा रहा है। ईस्ट में जाने के बाद यहाँ पर ये ड्राइंग में दे रहा है कि अप हो रहा है, तो हम इसको ऐसे अप कर लेंगे। देखिए ये डाउन है, ईस्ट गया और ये अप हुआ। अप होने के बाद फिर ये दे रहा है कि साउथ में बेंड करना है। यहाँ से हमारे तरफ साउथ है बैक साइड, तो हम यहाँ पर ऐसे बेंड कर देंगे साउथ की तरफ। ये देखिए किस तरीके से बेंड हुआ है, इस तरीके से ये हो गया ईस्ट और अप हुआ, फिर ये साउथ गया। जैसे आप ड्राइंग में देख रहे हैं ये ईस्ट गया, अप हुआ और फिर साउथ गया। साउथ जाने के बाद फिर यहाँ से ये दे रहा है ड्राइंग में ईस्ट की तरफ बेंड करना है, तो हम ऐसे ईस्ट की तरफ इसको बेंड कर दिए। ये देखिए ये ईस्ट चला गया। इस तरीके से ये स्पूल बनेगा और ये टेम्पलेट रेडी हो गया। तो अब हम इस फील्ड, यहाँ पे जो फील्ड ज्वाइंट दे रहा है, अब यहाँ से लेकर के और जो इसके नीचे वाला जो फील्ड वेल्ट दे रहा है, एक और देख रहे हैं आप कट का निशान दिया हुआ है ड्राइंग में, तो हम यहाँ तक टेम्पलेट एक और बेंड करेंगे इस तरीके से। तो हम इसको सीधा कर लेते हैं। तो पहला इसमें डायरेक्शन दे रहा है जहाँ पे फील्ड वेल्ट लग रहा है, और ये जा रहा है नॉर्थ में, ये नॉर्थ में गया इस तरीके से, और नॉर्थ में जाने के बाद यहाँ पे ऐसे डाउन हो गया। ठीक है, ये देखिए ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, साउथ से नॉर्थ में गया जैसे ड्राइंग में दे रहा है, फिर डाउन हुआ, और डाउन होकर यहाँ पर नीचे में एक एल्बो लग रहा है ईस्ट के तरफ, तो हम ऐसे ईस्ट के तरफ एक एल्बो लगा दिए, ये ईस्ट चला गया। जैसे आप ये देख रहे हैं ये किस तरीके से बेंड हुआ है, देखिए ये ईस्ट के तरफ ये एक हम एल्बो लगा दिए। तो यहाँ तक एक फील्ड वेल्ट दे रहा है, तो हम यहीं तक इसको इस तरीके से बेंड कर लेंगे। तो ये हो गया दूसरा टेम्पलेट रेडी। अब यहाँ से लेकर के जैसे आप देख रहे हैं ड्राइंग में, एक और हम वो ज्वाइंट तक, इसमें सिर्फ दे रहा है कि इस तरीके का है, सिंपल है एकदम। ये गया ईस्ट में, ये एल्बो जहाँ पे ज्वाइंट हुआ है वहाँ से लाइन ये ईस्ट में जा रहा है। देखिए आप ड्राइंग में ये लाइन ईस्ट में जा रहा है, ईस्ट में जाने के बाद यहाँ पे ऐसे अप हो रहा है, तो ऐसे अप हो गया। और अप होकर यहाँ पर फील्ड वेल्ट दे दिया, जैसे आप देख रहे हैं ड्राइंग में यहाँ पे कट का निशान दिखा रहा है, देख सकते हैं सिंपल है, सिर्फ एल्बो एक लगेगा और ये स्पूल तैयार। इसमें लेंथ पाइप जो है लगा देना है दोनों साइड में। उसके बाद हम ये ड्राइंग में जो देख रहे हैं कट का जो निशान दिया है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक एक और पेंटिंग कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं ये ज्वाइंट जो दे रहा है वहाँ पे एक एल्बो लगा हुआ है, तो हम ऐसे पहले एक एल्बो बना लेंगे, और इसका डायरेक्शन दे रहा है कि ये नॉर्थ में, ये पाइप नॉर्थ में रहेगा। ऊपर वाला जो पाइप देख रहे हैं ड्राइंग में नॉर्थ में दिखा रहा है, तो हम ऐसे नॉर्थ में कर लिए। नॉर्थ में करने के बाद फिर ये दे रहा है कि ये ईस्ट में यहाँ पर बेंड हो रहा है एल्बो लगा करके, तो ईस्ट में जाने के बाद फिर ये नॉर्थ में जा रहा है इस तरीके से, ये नॉर्थ में ही चला गया। और नॉर्थ में जाने के बाद थोड़ा हम इसको छोटा कर लेते हैं, नहीं तो इतना में नहीं होगा। तो इस तरीके से थोड़ा हम इसको वायर को छोटा कर लिए ताकि आगे वाला हमारा टेम्पलेट इसमें हो सके। अब देख रहे हैं ये जो एल्बो है डाउन में हो गया, और ये नॉर्थ से साउथ गया, और ये ईस्ट गया, और फिर ये नॉर्थ चला गया। जैसे आप देख रहे हैं ड्राइंग में ये नॉर्थ में गया, नॉर्थ में जाने के बाद फिर यहाँ पर एक एल्बो इस तरीके से इसमें बेंड हो रहा है, इसी पोजिशन में सेम टू सेम है दोनों। और वो डाउन होने के बाद ईस्ट की तरफ यहाँ पर एक एल्बो नीचे में लग रहा है, तो ऐसे एक एल्बो बेंड कर देंगे ईस्ट में, ये बेंड हो गया एक एल्बो। तो यहाँ एल्बो तक दे दिया फील्ड वेल्ट। अब इसके आगे जो लाइन है वो अलग बेंड करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए किस तरीके से है ये बेंडिंग हुआ है, यहाँ पर इस तरीके से ये पोजीशन में रहेगा। ये हो गया ईस्ट में ये एल्बो हो गया, और ये डाउन में हो गया यहाँ पर एल्बो, और यहाँ पर नॉर्थ से साउथ में गया, ईस्ट में गया, फिर नॉर्थ में गया,
फिर ये डाउन हुआ, डाउन होकर के फिर ये ईस्ट में गए। ये हो गया तीसरा टेम्पलेट रेडी। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एल्बो के जॉइंट से बिल्कुल सीधा है और बीच में एक रोलिंग टाइप का दिया हुआ है, मतलब रोलिंग में है, और ये बाईपास लाइन है। अगर इसमें आपको बाइन मान लीजिए बोल रहा है कि बेंड करके दिखाइए तो इंटरव्यू के दौरान, तो इसमें आपको क्या करना होगा कि ऐसे कर लीजिए वायर और फिर ये ऐसे बेंड कर लिए इस तरीक़े से, और फिर ये और ऐसे बेंड कर दिए, फिर ये ऐसे बैंड कर दिए। तो इसमें समझिए कि इसमें भी एक लाइन है, ये मत समझिए कि ये खाली है, लेकिन इसमें भी लाइन है, और ये जो है हमारा ये जो है बाईपास लाइन हो गया, और इसमें भी लाइन है। तो इस तरीके से हम पूरा सीधा कर लिए। ये हमको देखना है कि ये कितना डिग्री में ऐसे रोल हुआ है। सिर्फ आपको दिखाना है कि ये वेस्ट से ईस्ट में, ये पोजिशन ऐसे दिखाना है कि ये वेस्ट से ईस्ट में है, और जो ये वाला जो है पोजिशन साउथ से अप में रोलिंग दिखा रहा है, मतलब ये साउथ, ये हो गया साउथ, और साउथ से अप करना है इस तरीके से। तो कितना डिग्री में अप हो रहा है आप देख सकते हैं इसका। तो इसका डिग्री जो दिया हुआ है, इसका डिग्री निकालने के लिए मैं बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ ड्राइंग के बारे में कि कैसे डिग्री निकाला जाता है, वो आप वीडियो देख लीजिए। तो ये ऐसे साउथ में जाके ऐसे अप रहेगा, फिर ऐसे गया, फिर डाउन हुआ, फिर ये ईस्ट चला गया। इस पोजिशन में ये रहेगा, जैसे आप सामने से अगर आप देखेंगे तो इस तरह का रहेगा, वो सीधा नहीं रहेगा, ऐसे थोड़ा डिग्री में रहेगा, ये ऐसे डिग्री में रहेगा, ये साउथ से अप डिग्री में। ये हो गया चौथा टेम्पलेट कंप्लीट। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा, इस तरीके से लाइक बटन नीचे उसे आप दबा कर हमको बताइए, और इस तरीके से एक रेड बटन होगा नीचे सब्सक्राइब का, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिल जाए।